All president, all the four president. Sir, please, sir, please, please. Madam, please. Okay. Please look here. Okay, sir, done. मैं लाइन सीए सुनील पाटोदिया आज की इस संध्या पर बहुत उत्साहित हूँ. हमारे अजीत वाडेकर जी ने एक सपना देखा था कि हमारे जो स्पेशल एबल बच्चे हैं उनकी एक क्रिकेट टीम बनाई जाए और उस क्रिकेट टीम को एक नई पहचान दी जाए. इसका प्रयास उन्होंने 1988 में चालू किया और उनका सपना पूरा होते होते एकदम नज़दीक था. तब लगभग एक साल पहले 15 अगस्त 2018 को हमारे अजीत जी वाडेकर हमको छोड़ के चले गए. लेकिन उनके साथ जो टीम थी, रेखा जी अजीत वाडेकर के नेतृत्व में, उन्होंने उनके सपने को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया. हमारे भारतवर्ष में लगभग 1100 बच्चों जो विकलांग लोग जो दिव्यांग लोग थे उनको क्रिकेट खेलना सिखाया. फिर उनमें से 1100 से 500, 500 से 100, 100 से 50, 50 से 35 और 35 से 20 बच्चों को सिलेक्ट करके एक बहुत ज़ोरदार इंडियन क्रिकेट टीम बनाई. उस इंडियन क्रिकेट टीम को हमारी जो 6 देशों की वर्ल्ड सीरीज हुई इंग्लैंड में, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया. और अभी हमने टीवी पे देखा कि हमारी टीम ने एक भी मैच नहीं हारा, हर 500 टीमों को हराया और फिर फाइनल में वापस से इंग्लैंड को हराया. तो ये जो इनका जो कारनामा है वो कोई भी कारणों से हमारे आम भारतीय तक पहुंच नहीं पाया. 20 दिन पहले तक मुझे खुद नहीं मालूम था कि हमारे इतने होनहार बच्चों ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है. जब मुझे मिनल पोर्टनिस जी के द्वारा ये पता चला कि ये एक छुपी हुई एक सफलता की कहानी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, तो मुझे ऐसा मन में थोड़ा सा आत्मग्लानी हुई. तो मैंने मेरे लाइन साथियों के साथ इस बारे में चर्चा की और मेरे लाइन साथियों ने बहुत खुशी खुशी बोला कि एक छोटी सी शुरुआत हम करते हैं. अगर ये छोटी सी शुरुआत अगर कहीं आगे जाके इन लोगों के लिए कोई नई एक राह बन जाए तो इसके लिए क्या अपने को करें. तो इस उद्देश्य से हमने आज का ये प्रोग्राम प्लान किया था. देखते ही देखते इस प्रयास में 2-3 कदम तुरंत जुड़ गए. हमारे आज का जो 23 सितंबर का प्रोग्राम है उससे पहले 20 तारीख को हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी का 20 तारीख को मुंबई आने का प्रोग्राम हुआ. तो हमारे जो MCA के पदाधिकारी है, हमारे जो ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन फॉर फिजिकल चैलेंज के जो पदाधिकारी, उन्होंने संपर्क किया कि हमारे बच्चे 20 तारीख को यहाँ पे पहुँच रहे मुंबई में. तो उन्होंने खुशी खुशी अपना समय दिया, उन बच्चों का एक हौसला बढ़ाया. MCA में एक अच्छा आयोजन हुआ था 20 सितंबर को. उस आयोजन के बाद जब हमारा CA इंस्टीट्यूट, जिसके प्रेसिडेंट अभी CA प्रफुल्ल चाजेड़ हैं, हमारे WIC चेयरमैन प्रीति सावला है, उनको जब पता चला तो उन्होंने हमारे CA इंस्टीट्यूट में हमारी पूरी टीम को इन्वाइट किया. उनके लिए कुछ फिजिकल टिप्स के लिए मिनल जी का सेशन रखवाया और फाइनेंस, जो कि हमारी लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारे खिलाड़ियों को फाइनेंस अरेंजमेंट के लिए और फाइनेंस में उनके लिए जो अवसर उपलब्ध है उनकी जानकारी दी CA इंस्टीट्यूट में. और उसके बाद में 2 दिन उन्होंने मुंबई में घूमने का प्रोग्राम रखा और आज हमारे 500 लाइन साथियों के सामने हमने उन सब का सम्मान किया. सम्मान हम उनका कर रहे थे लेकिन हम अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे थे. लायंस क्लब ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए सेवा करता आया है, लेकिन जिन्होंने ऐसी उपलब्धि हासिल करी उसके साथ लायंस क्लब जोड़कर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. हमारे वन ऑफ द प्राइम स्पॉन्सर द बाइक हॉस्पिटलिटी के CMD श्री अनिल जी पाटोदिया हमारे साथ है. मैं चाहूँगा कि वो इस वक्त अपना विचार प्रकट करें. अनिल जी, किस प्रकार का रिस्पॉन्स रहा उन लोगों का, उनके चेहरे पे जो आज आपने उनको फेलोशिप किया और कुछ धनराशि दी, जिससे कि हालांकि वो बहुत छोटी राशि है लेकिन थोड़ी सी उनको मदद मिली, काम आएगी, कैसा रिस्पॉन्स रहा उनका, कैसा वो रहा? आप सब इस चीज़ के गवाह हैं कि जब वो लोग स्टेज पे आ रहे थे या सामने बैठे हम उनको देख रहे थे तो उनके
चेहरे में एक अचीवमेंट की जो आदमी में एनर्जी होती है वो उनके साथ अंदर एनर्जी पूरी झलक रही थी, और हम लोगों को ये फील हो रहा था कि हम इनको बेमतलब भी दिव्यांग बोल रहे हैं। ये दिव्यांग नहीं है, ये हौसले से किसी भी अच्छे भले आदमी से कई ऊंचा उनका हौसला है, और उन्होंने एक लिमिट के बाहर जाके देश का और एक जो बहुत सारे इन जैसे जो भारत में या भारत के बाहर जो लोग हैं उनका हौसला बढ़ाया, उनको प्रेरणा मिली है। जैसे सुनील भाई साहब ने जैसे बताया कि भाई बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसी उपलब्धि कोई हमने हासिल करी है, इनका दिल करा कि ये उपलब्धि भारत के हर आदमी को, हर कंसर्न आदमी को मिले। लेकिन मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि इसमें सबसे बड़ा रोल है वो आप लोगों का रहता है। मीडिया इसमें सबसे बड़ा हमेशा किसी भी अच्छी काम के लिए मीडिया का सहयोग हमेशा रहा है। आगे भी मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज़ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप पहुंचाइए। ये हमारे लिए या ऐसे लोगों के लिए आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि इनके लिए नई नींव रखे और ज़्यादा लोगों को ये प्रेरणा मिले कि इस चीज़ में आगे जुड़े। थैंक यू सर। थैंक यू। आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है, कन्वर्सेशन का कार्यक्रम रखा गया, कितनी खुशी की बात है और लोगों की तरफ से कितना किस प्रकार का रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा है कि आप लोग इसको बुला के कन्वर्सेशन कर रहे हैं। जी, मेरा नाम लैन शशिकांत मोड है, मैं फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ, डिस्ट्रिक्ट 3231A3 का। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज हम लायंस क्लब ने साथ में मिल के जो हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं जो वर्ल्ड कप जीत के आए हैं उनका आज यहाँ सम्मान हुआ और हमें एक मौका मिला उनका सम्मान करने का। किन विकट परिस्थितियों में से ये लोग ने ये क्रिकेट को अडॉप्ट किया और उसमें इतनी अच्छी तरह से जो वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, तो मैं उनको खूब अभिनंदन देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये बच्चों ने इस लेवल का कभी काम नहीं किया है जो बच्चे लोग जो वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने, और उनके बाद में जो उनको आज नेम और फेम मिल रहा है। जैसा हम देखते हैं हमारे क्रिकेटर को एक भी का कहीं मैच जीत के आते हैं इतना बड़ा उनका सम्मान होता है, लेकिन इनके केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था अभी तक। और लेकिन अब जो शुरुआत हुई है तो मैं समझता हूँ ये उनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और उनको एक प्रेरणा मिलेगी और आने वाले दिनों में ये इससे बेहतर परफॉर्म करेगी, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ। मैं लायन डॉक्टर मुदस्सर हूँ, मैं सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट हूँ, डिस्ट्रिक्ट 3231A3 का। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं, ये गुलिस्तान हमारा, आज ये बच्चों ने प्रूफ कर दिया है कि सच में हिंदुस्तान अगर मेहनत करे तो पूरे संसार में सबसे नंबर वन पे जाएगा। इनको मैं सलूट करना चाहता हूँ कि इनके जो तकलीफ़ों के बावजूद जो नॉर्मल लोग नहीं हासिल कर सकते, ये लोग जाके हासिल किया। जैसे काफ़ी लोगों ने बोला कि इंग्लैंड में विपरीत कंडीशन में जाके इतनी बड़ी गौरव हासिल करना ये कोई मुमकिन बात नहीं है, और ये जब इन्हें यही कर सके, क्योंकि उनका एक लक्ष्य था, उसी लक्ष्य पे उन्होंने पूरी नज़र रखी और वो लक्ष्य को कामयाब रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि ये बच्चे आगे चल के भी इंडिया का नाम गौरव कर और गौरव लाएंगे, और हम लोग इनसे वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट इन ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरा नाम विक्रांत रविंद्र केनी है, मैं इंडिया टीम का कैप्टन हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है लायंस क्लब ने जो हम लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया, जो हम लोग को जो ऑनर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग बहुत उन्होंने बहुत हम लोग को सपोर्ट किया और उस बात की बहुत खुशी है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे आगे तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। और उनका मैं खुशियाँ मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि इतना ऑनर किया, हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और बहुत अच्छा हम लोग को उन्होंने फेलिसिटेट किया, तो थैंक यू। और कैसा रहा एक्सपीरियंस, कुछ शेयर करना चाहेंगे? इंग्लैंड के साथ मैच हो रहा था और या आप लोगों ने जब विन किया तो उस पल को शेयर करना चाहेंगे, क्या माहौल रहा होगा लोगों के? बहुत अच्छा मोमेंट था, क्योंकि हम लोग ने जो हम लोग सोच के गए थे, क्योंकि इंडियन दिव्यांग टीम जब हम लोग गए तब बहुत प्रेशर था, क्योंकि दिव्यांग टीम को एक दिव्यांग जो अपने इंडिया में दिव्यांग है जो क्रिकेट खेलते हैं उनको जो नाम देना था, क्योंकि अपने इंडियन पब्लिक को किसी को मालूम नहीं है कि इंडियन दिव्यांग टीम भी है, क्रिकेट टीम खेलती है, तो उनके लिए भी कुछ करना था। और जब हम लोग
इंग्लैंड गए तो बहुत उम्मीदें थी, जो हमारा टीम कॉम्बिनेशन बैठा, हमारे जो कैंप हुए, जो हमारा ऑफिशियल स्टाफ था, कोचिंग स्टाफ था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हम लोग जो जीत, हम लोग एक ही सोच लेके गए थे कि जीत के आना है, दूसरा कुछ नहीं। और बाद में हम लोग उधर जब गए तो उधर क्लाइमेट बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन हम लोग 8 दिन आगे गए तो हम लोग को वो बहुत एक यूज़ हुआ उसका। और बाद में जो हमारी स्ट्रेटजी थी, जो हमारे कोच थे सुलक्षण कुलकर्णी सर, जो उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रेटजी अपनाई, और जो टीम वन बाय वन टीम के साथ हम लोग ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, पहले बांग्लादेश के साथ मैच था उधर 59 से जीते, बाद में अफगानिस्तान के साथ मैच था उधर 5 विकेट से जीते, बाद में पाकिस्तान के साथ मैच था उधर 8 विकेट से जीते, और बाद में इंग्लैंड के साथ मैच था तो उधर था 25 रन से जीते, और लास्ट में फाइनल मैच आया तब बहुत अच्छा क्लाइमेट था उस दिन, बहुत अच्छा लग रहा था, तो इंडिया फाइनल में पहुँच गई। और जब फाइनल में इंग्लैंड के साथ भिड़े तो इंग्लैंड के साथ हम लोग ने 180 किया और उनको 144 पे रख दिया, तो 36 रन से जीते, और बहुत खुशी हुई इस बात की, इंडिया का नाम रोशन किया हम लोगों ने, तो इंडिया के फ्लैग के लिए जो कर सकते हो किया, और जो हम लोग ने सोचा था इंडिया टीम के लिए और इंडिया पब्लिक के लिए, जो इंडिया की जनता के लिए सोचा था, देश के लिए सोचा था, तो वो देश के लिए किया, उसी बात की बहुत खुशी है हम लोग। सर, जो अभी तक की आपकी जर्नी रही, अभी ऐसा नहीं है, हम लोग का एक जो बोलते हैं ना कि एक अच्छा रिस्पेक्ट मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई हम लोग का, जो रिस्पेक्ट मिल रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग।